अच्छा मैडम ने कमाल कर दिया। हाय हाउ आर यू? फाइन। अरे मेरी साड़ी कहाँ गई? वो पुरानी साड़ी पहनकर तू बसंत के प्रोग्राम में जाएगी? लता तू जानती है मैं बड़े बाप की बेटी नहीं हूँ, पता नहीं कितनी मुसीबतों से वो मुझे पढ़ा रहे हैं। आइंदा तूने ऐसी बात की तो दूसरे कमरे में शिफ्ट कर जाऊंगी। मेरे रहते मेरी शांति शान से सज धज कर प्रोग्राम में जाएगी। नहीं लता, हर बार मैं तेरे कपड़े कैसे? अब अगर आगे एक लफ्ज भी तूने कहा तो खींच कर बाहर ले आऊंगी और जबरदस्ती कपड़े पहना दूंगी। अच्छा बाबा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे भी तू कौन सा ज्यादा बोलती है, जो कह रही है अब नहीं बोलूंगी। अरे ऐसे चुप चुप रहोगी न तो प्यार होगा न प्यार का इजहार होगा। हाय क्या लग रही है तू। हाय मेरी बन्नो, ऐसे शर्माओगी तो कॉलेज कब जाओगी? बादशाह अकबर ना सिर्फ एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था, he was also a great lover of art, culture, literature and music. उसके दरबार में नौ रत्न थे, यानी नौ मिनिस्टर्स ऑफ म्यूजिक एंड लिटरेचर। उन नौ रत्नों में था बेटा, तो नहीं होने वाला। तू एक काम कर, पता नहीं गली पकड़ के बाहर निकल ले, वरना ब्लैक बेबी टिकट नहीं मिलेगी। जा चल। एक्सक्यूज मी सर। खामोश। ओके ओके। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था कि तानसेन। एक्सक्यूज मी सर। तानसेन। मेरा मतलब है कि तानसेन। सुनिए सुनिए, लिसन केयरफुली अबाउट तानसेन। जिस चीज को बाथरूम जाना है जल्दी जाइए। इतने बड़े अकबर के दरबार में सिर्फ नवरत्न और हमारे कॉलेज के छोटे से बाथरूम में 40 लड़के लड़कियां कैसे समा गए? क्या कर रहे होंगे वो? हैं अजी कहां गए वो साहब? सर आज शहर के सबसे पॉपुलर सिंगर बसंत का प्रोग्राम है। हसीन है अगर हसीन बना सको, ये जिंदगी हसीन है अगर हसीन बना सको। हर एक धुन है प्यार की, हर एक धुन है प्यार अगर जो दिल से गा सको। ये जिंदगी हसीन है अगर हसीन बना सको।
अगर जमीन पे ला सको ये जिंदगी हसीन है अगर हसीन बना सको। बसंत की बहार की हर एक ऋतु है प्यार की बसंत की बहार की बहार की फिजा में भी बहार के फूल गल खिला सको ये जिंदगी हसी अगर हसी बना सको। नागराज आई जरा संभाले। अरे आप लोग हटो। अरे हटो लो रास्ता छोड़ो सर आप गाड़ी में जल्दी से बैठिए। आप बैठ गई गाड़ी में बाबा आप जाइए। अरे मैं आप लोगों को हाथ जोड़ता हूँ गाड़ी उठाने तो आप। अरे हटो रो। अरे अरे ओ नो आज मैं फिर ऑटोग्राफ ना ले सकी। मैं आपको उनका ऑटोग्राफ भी दिलवा सकता हूँ और घर तक भी पहुंचा सकता हूँ। सच? बिल्कुल सच। क्या है कि मैं उनका पर्सनल प्राइवेट और सीक्रेट सेक्रेटरी हूँ। सीक्रेट समझी? हाँ समझ गई। क्या है कि बेडरूम तक घुसने के लिए ड्राइंग रूम का सहारा लेना पड़ता है ना। हाँ आह वैसे आपका भी क्या फिगर है 36 26 36 फिगर श्री देवी का और चेहरा माधुरी दीक्षित का आवाज नीलम की। आह माशाल्लाह अगर आप भी फिल्मों में ट्राई करें ना तो टॉप की हीरोइन बन सकती हैं। आप मुझे उनका ऑटोग्राफ दिलाएंगे ना? जरूर दिलाऊंगा।
आइए आइए आइए। आप रोजी की माँ हैं? सगी माँ तो नहीं, पर माँ जरूर हूं। रोजी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, मगर इससे पहले जहर अपना असर दिखाता, हमने माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया। बच्चा? माँ? लेकिन रोजी की तो अभी शादी ही नहीं हुई। रोजी तो माँ बनने वाली है। ओह, इसलिए इस बेचारी ने अपनी इज्जत पे लगे हुए धब्बे को छुपाने के लिए जहर खा लिया होगा। पर इस होने वाले बच्चे का बाप कौन है? मैं जानती हूँ मम्मी जी, बहुत ही बड़े घर का बिगड़ा हुआ बेटा है। मेरा नाम है सुरेश रस्तोगी। मैं वो शौकीन राजा हूँ जिसे हसीन बेगमें पालने का शौक है। ये ताश की बेगमों का शौक छोड़ दो बेटा, क्योंकि अब तुझे एक लड़की को अपनी बेगम बनाकर घर ले जाना है। किसे बेगम बनाने की बात कर रही हो तुम? हाँ? रोजी की, जिसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। शादी से पहले जो लड़की किसी भी मर्द के साथ हम बिस्तर हो जाए, उस लड़की में और रंडी में कोई फर्क नहीं होता। मेरा नाम है सुरेश रस्तोगी। तेरे हाथ का एक थप्पड़ खाकर मैं अभी तक जमीन पर खड़ा हूँ, लेकिन मेरे हाथ का एक धक्का खाकर तू सीधी स्वर्ग पहुंच जाएगी। अभी तक कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरी माँ को स्वर्ग पहुंचा दे, जब तक उसका ये लाल जिंदा है। अबे मिट्टी के लाल, अगर ये तेरी माँ है तो समझा दे इसे। हर गरीब और बेसहारा लड़की को सहारा दिया है मेरी माँ ने। अब तेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो जमीन पे नाक रगड़कर माँ से माफी मांग के उसका कहा मान ले, या फिर तू अपने माँ बाप को खबर कर दे कि तेरे अंतिम संस्कार का बंदोबस्त कर दे। मार नहीं रहा हूं माँ जी, आपके बेटे को उसी की जुबान में समझा रहा हूं जिससे कि वो माँ की इज्जत कर सके। माँ? किसकी माँ? मेरी माँ, जिसकी इसने बेइज्जती करने की कोशिश की। इस बच्चे की माँ, जिसका यह बाप है। बाप? इसने इस बेसहारा लड़की की इज्जत पे हाथ डाला है, इसे इसने अपनी घर की बहू बनाने का ख्वाब दिखाया, और अब जब ये इसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो ये इसे अपनाने से इनकार कर रहा है। एक हारे हुए जुआरी की तरह ताश के पत्ते फेंक रहा है। माता जी, आप इसे समझा दें कि जिंदगी ताश के पत्तों की बाजी नहीं होती, कि जिसके फेंकने से खेल खत्म हो जाता है। आप भी तो माँ है ना सुरेश, ये जो कुछ बोले क्या वो सच है? माँ, माँ मैं मानता हूँ कि जुनून में मुझसे कुछ हो गया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इसे घंटे की तरह गले में बांधकर जिंदगी भर फिरता हूँ। माँ! बकवास बंद कर, मैं भी माँ हूँ और माँ के दर्द को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, ये लड़की सुरेश के बच्चे की माँ है और अब यही बहू बन के आएगी मेरे घर में। Oh,
माँ ये मौसी बेसन मौसी बेटा बेटा तूने तूने पहचाना मुझे कैसे नहीं पहचानूंगा मौसी फर्ज और वक्त इंसान अपनी जिंदगी में कभी भूलता है क्या छोटा सा था मां बाबूजी दोनों गुजर गए फटी निककर और बनियान पहनकर गांव के घर घर में जाकर रोटियां मांगा करता था इस भिखारी को अपनाकर उसे तुमने खिलाया पिलाया पाला पोसा बड़ा किया रोटी का कर्जदार न जाने ये कर्ज इस जिंदगी में उतार पाऊंगा भी या नहीं बड़ा आया कर्जदार आते ही पिटना चाहता है क्या तू क्या चाहता है यहीं से उल्टे पांव लौट जाए हम लोग नहीं मौसी तुम आई हो अपनी मर्जी से और जाओगी मेरी मर्जी से ये बंदरिया कौन है उमा है क्या हाँ। नहीं उमा नहीं उसकी छाया हूँ भूत बनकर आई हूँ अब तुम एक दूसरे से बात करो मैं जाती हूँ कमाल हो गया लोग बचपन का प्यार बुढ़ापे तक याद रखते हैं और तुम मुझे जवानी में ही भूल गए भूल गया अरे अगर भूल जाता तो तुझे पता कैसे भुगतता शरारती कहीं का अरे मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तू इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई कौन सी क्लास में पढ़ती है पढ़ती नहीं अब लिखती हूँ लिखती हो क्या मतलब मतलब ये कि खाली वक्त में बैठकर मैं किससे कहानियां लिखती हूँ और जब थक जाती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ चलो अब आई गई हो तो आराम से बैठ के लिखती रहना कम से कम तुम्हें मेरी याद तो डिस्टर्ब नहीं करेगी अच्छा बाबा सारी बातें यही करोगे कि अंदर भी चलोगे चलो ना चलता हूँ भाई ए तू क्यों परेशान हो गई शांति कहीं तू ये तो नहीं सोच रही एक जवान खूबसूरत लड़की अचानक बसंत के घर में आ गई है कहीं वो रिश्तेदार हो सकती है कहीं उसका वही रिश्ता हुआ जो तेरा बसंत के साथ है तो नहीं मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है उतना ही जितना हर इंसान को भगवान पर होता है तेरा प्यार तो बेजुबान है भगवान की तरह तू क्या समझती है बेजुबान प्यार में कशिश नहीं होती मेरा यकीन तो यही कहता है तेरा यकीन गलत है न यकीन हो तो कल तुम मेरे साथ शिव मंदिर चलो उसी बेजुबान भगवान के मंदिर अगर बिना बुलाए वहां बसंत आ गया तो मैं मान लूंगी प्यार में वो कशिश है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है बे आवाज होकर भी पुकार सकता है कहीं वो नहीं आया तो मैं समझूंगी जरूर मेरे प्यार में ही कोई खोट है आरती की पूरी थाली है ओम कृष्णाय नमः ओम वैकुंठाय नमः ओम मेरी बात सच निकली शांति बसंत नहीं आया ना ये प्यार सिर्फ किस्से कहानियों में ही होते हैं जिंदगी में नहीं अब तो तुझे यकीन हो गया ना अभी तो काफी सीढ़ियां बाकी हैं लता मेरा विश्वास मंदिर की आखिरी सीढ़ी पार करने के बाद ही टूटेगा वो देखो बसंत आ गया तू जीत गई मैं हार गई शांति हेलो मेरा नाम लता है ये उषा किरण मीनाक्षी और आपके जो घर के बगल वाला हॉस्टल है ना हम सब लोग वही रहते हैं अच्छा अच्छा थैंक यू वेरी मच जितनी खुशी आप लोगों को मुझसे मिलकर हुई है उतनी खुशी मुझे आप लोगों को देख हम सब ने देखा है आपका प्रोग्राम जी आप भी पूजा करने आए हैं नहीं नहीं मुझे तो मन ही मन पूजा करने की आदत है न जाने आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कोई मुझे बार बार मंदिर से पुकार रहा है मुझे क्या मालूम था कि आज साक्षात देवी के दर्शन हो जाएंगे वाकई बड़ी शांति मिली है मुझे यहाँ आकर वो जो सामने खड़ी है ना उसका नाम भी शांति है वो भी दिल ही दिल में पूजा करती है
जो उसके बहुत करीब होता है उसे दूर खड़े होकर देखती है भगवान की तरह। गोरे हाथों
मुझे दर्द दिल दे गई, दर्द दिल दे गई, संग सपनों की दुल्हन है अब के बरस, संग सपनों की दुल्हन है अब के बरस, दिल में कैसी ये धड़कन है अब के बरस, बेकरारी का सावन है अब के बरस, दिल में कैसी ये धड़कन है अब के बरस, बेकरारी का सावन। इसलिए मैडम क्योंकि हर बड़े कलाकार का ड्राइंग रूम का दरवाजा किसी ना किसी बेडरूम से होकर गुजरता है। मतलब शायद आप ये नहीं जानती कि मैं उनका बेडरूम सेक्रेटरी भी हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे डार्लिंग, ऑटोग्राफ तो सभी लड़कियां लेती हैं, लेकिन मैं आपकी और उनकी इतनी हसीन मीटिंग कराऊंगा जिसे आप जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगी, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जिस्म का नाप क्या है तो उनके दिल और बेडरूम के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। और वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की के जिस्म पर कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। आह क्या चेहरा है, बिल्कुल हेमा मालिनी। क्या फिगर है, बिल्कुल श्री देवी। 36 26 36। आह डार्लिंग, ये लाइट ऑफ कर दू? हाँ। अरे बबलू साईं, अरे गाड़ी ठीक हुआ कि नहीं? लो जी सोनियो, फटाफट निकाल दो 10 की पत्ती। ओ जी पिछले पहिए के टायर की तो छुट्टी कर दी थी मैं, क्या कितने बच्चों की पलटन तो नहीं बिठाई थी पीछे हैं? अजी ऐसी नहीं, सारी दुनिया यही कहती है कि बबलू तरमनाल तेरे जैसा मकान होल वर्ल्ड में नहीं है, बाय गॉड। अरे मूर्ख, ये पिछला टायर बदलने को कौन बोला नहीं? और सेठ जी अगर तुसी बोलो तो सारे टायर बदल दें। अरे बाबा, किस गदड़े ने तुमको मोटर मैकेनिक बना दिया नहीं? अरे पंक्चर तो मेरी गाड़ी का अगला टायर हुआ है नहीं, और तुमने स्टेपनी पीछे कैसे फिट कर दिया? ओ जी दरअसल गाल ये है कि कल मेरे को अमेरिका से चिट्ठी आई है, उन्होंने डिमांड किया कि बबलू तू ऐसे की कर रहे हैं, ओए अमेरिका आ जा, वहाँ रॉकेट रिपेयरिंग की दुकान खोलेंगे। सेठ जी दरअसल जब रॉकेट का अगला पहिया पंचर करता ना तो पिछला बदल देते हैं, तो मैं क्या क्यों ना सेठ जी की गड्डी को रॉकेट बना दे, ऐसे पिछला पहिया बदल देता। सेठ जी अगर तुम यकीन नहीं होता ना तो गड्डी चला के देखो, रॉकेट की तरह भागेगी। माय गॉड, बड़ी राकर तुम चलाओ नी, मुझे मेरी गाड़ी ठीक करके दो नी। अल्लाह जी सोनियो, उन्हें ठीक कर देने आ। उस्ताद जी अगला चक्का पीछे आएगा, पिछला चक्का आगे जाएगा, काम एक चक्के का दाम चार चक्के। सुन,
किसी को उल्लू बनाकर हमें पैसा नहीं कमाना, समझे? नहीं। चुपचाप शराफत से जाके गाड़ी ठीक कर ले, वरना वो हाथ मारूंगा कि तेरे सारे नट बोल्ट टूट जाए, समझे? वाह प्रशांत बाबू वाह, आप गाड़ियां ठीक करते करते लोगों को भी ठीक करने लगे। अरे शाबाश, तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? बस यहीं से गुजर रहा था, सोचा आपसे मुलाकात करता चलूं, कुछ सलाह मशवरा करना था आपसे। एक मसला मुसीबत बनकर सामने खड़ा हो गया। तुम अंदर आओ, पहले कुछ ठंडा पीते हैं, फिर बाद में मसले पे बात करते हैं। चलो। चीयर्स। चीयर्स। अब बताओ मामला क्या है? नहीं पहले तुम एक बात बताओ, तुमने किसी से प्यार किया है? क्यों नहीं किया? तुमसे किया है, अपने काम से किया, अपने वर्कर से किया, अपनी माँ से किया है। मैं उस प्यार के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मैं तो उस प्यार के बारे में पूछ रहा हूँ जो एक जवान लड़का है एक जवान लड़की से करता है। भाई ये सब झंझट मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पाली। पहले प्यार करो, फिर दिल टूट जाए तो मजनू बन जाओ, दारू के अड्डे में बैठ के शराबबाजी करो, गम के गीत गाओ। इतनी सारी झंझट पालने से बेहतर यही है कि माँ जिसके पल्ले बांध दे उसी के साथ सारी जिंदगी काट लो। मगर मेरे भाई तुमने ये रोग कब से पाल लिया, मसला क्या है? एक लड़की है, लाखों करोड़ों में एक, मैं उसे प्यार करता हूँ और शायद वो भी। अरे बाबा मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर मसला है क्या? भाई मसला ये है कि मुलाकात तो होती है मगर बात नहीं होती। मेरा मतलब है कि आज तक हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बात ही नहीं की। देखो पहल तो तुम्हें ही करनी होगी, पता लगाओ कि लड़की कब बाहर जाती है, कहाँ बाहर जाती है, कहीं घूमने समुद्र किनारे या पार्क वगैरह में जाती है या नहीं जाती। अगर जाती है तो मौका देखकर थाम लो, ताक से अपने दिल की बात कह डालो। दो बातें तय समझो, एक लड़की के बाहों का हार तुम्हारे गले में होगा और दो लड़की के बाप या भाई के हाथ में तलवार होगी। खैर जाओ, भगवान तुम्हें शांति दे। बस अनजाने में तुम्हारे मुंह से एक ऐसी बात निकल गई कि मुझे मुझे शांति मिल गई। दीदी दीदी। हाँ? आपको मैडम बुला रही हैं। किधर? आओ मैं बताता हूँ। कहाँ है मैडम? मैडम नहीं, सर। और इस नाची से सर ने एक छोटी सी बात को आपके छोटे से दिमाग में घुसाने के लिए ही आपको इधर बुलाया है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप में और बसंत बाबू के बीच में जो दूरी है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं इस दूरी को नजदीकी में बदलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनका सिर्फ सेक्रेटरी नहीं बल्कि उनका पर्सनल प्राइवेट और सीक्रेट सेक्रेटरी भी हूँ। मतलब ये कि मेरे कहे बिना ना तो वो गाना गाते हैं, ना तो वो सोते हैं, ना तो रोते हैं, ना वो किसी लड़की की मेरा मतलब है कि किसी लड़की से मुलाकात करते हैं। क्या है कि बेडरूम में घुसने से पहले ड्राइंग रूम से गुजरना पड़ता है ना। आप मेरा मतलब तो समझ गए होंगे, फिर भी आपको मुझसे कहाँ मिलना है, आपको मेरे साथ क्या क्या करना है, मैंने सब कुछ इस पत्र में लिख दिया है। आप इस पत्र को एक पोस्टल पत्र की तरह मत पढ़िएगा, आप इस पत्र को प्रेम पत्र की तरह पढ़िएगा। तुम जैसे कमीने ही शरीफ कलाकारों को बदनाम करते हैं। नहीं, लानत है तुम पर और तुम जैसे घटिया आदमियों पर जो मासूम लड़कियों को गुमराह करते हैं। ये थूक तो मैं साफ कर लूंगा जाने मन, लेकिन जो थूक मैं तुम पर थूकूंगा वो तुम अपनी सारी जिंदगी में साफ नहीं कर पाओगी। Thank you.
बसंत जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरी कसम। क्यों, क्या बात है? मैं तुम्हें वो तोहफा देना चाहती हूँ जो मेरी जिंदगी का मकसद है। आओ मगर... चलो ना, बैठो। प्यार की खूबसूरती और खुशबू इस गुलाब की तरह होती है बसंत, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों को खुशबू देता है, दूसरों के कदमों में चढ़ाया जाता है और फिर मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। वो लेकिन फूल की अपनी जिंदगी में तो सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, और जहां तक मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी अपनी जिंदगी का, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ एक ही फूल है, एक ही गुलाब है, एक ही खुशबू है। और उमा जानती वो फूल कौन है? वो फूल शांति है। मैं तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही तुम्हें अंधेरे में रखना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझे समझ सकोगी तो मुझे माफ कर दोगी? समझ गई बसंत, समझ गई। देवता के चरणों में न जाने कितने फूल चढ़ाए जाते हैं, पर वो भी किसी एक फूल को कबूल करते हैं, बाकी फूल उसके इर्द गिर्द बिखरे रहते हैं, कभी दिल में नहीं बसते, कभी नहीं बसते। उमा, गाड़ी को क्या हो गया? नागराज भी साथ नहीं और ड्राइवर भी साथ नहीं। वो हरामजादा और उसकी मां इसी रास्ते से गुजरेंगे। जिन लोगों ने मेरी तबाही की उन लोगों की लाशें मैं इसी सड़क पर देखना चाहता हूं, और उसके बाद मैं चैन लूंगा। समझ गया ना? सब समझ गया ना? समझ गया ना? मेरा नाम है सुरेश रस्तोगी। क्या बात है बसंत, ये मेहनती कलाकार आज किस मेहनत में लगा हुआ है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, अचानक गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी की तो फिक्र मत करो, मैं सवेरे कुछ आदमी भेजकर गाड़ी को गैराज में भिजवा दूंगा। थैंक यू। तो मेरे साथ चलो ना। थैंक यू वेरी मच। इनसे मिलो, ये मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा, इतने बड़े आदमी होकर। नहीं माँ जी, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए मगर माँ के सामने हमेशा छोटा ही रहता है। माँ की कीमत क्या होती है ये बात तो आप उन्हीं लोगों से पूछिए जिन लोगों की माँ नहीं होती। वाकई भाई, इस मामले में मैं बड़ा ही खुशकिस्मत हूँ। यू आर अ लकी मैन। Thank you.
माँ तुम ठीक तो हो ना? अरे मेरे दोस्त, माँ की जान बचाकर जो एहसान तुमने मुझ पे किया है वो मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकूंगा। माँ बेटे पर और बेटा माँ पर कभी एहसान नहीं करते। तुम ठीक कहते हो बेटा, माँ और बेटे के बीच एहसान लफ्ज एक दिखावा है। तुमने मेरी जान बचाकर एक बेटे का फर्ज अदा किया है। आज से एक नहीं, दो बेटे हैं मेरे। मिस्टर बसंत, क्या आप बता सकते हैं कि आप ये जानने वाला हमला क्यों हुआ? कैसे हुआ? मैं तो इसे महज एक एक्सीडेंट मानता हूँ। आप तो एक चोटी के कलाकार हैं, प्रोफेशनल जेलिसी के कारण भी आप पे हमला हो सकता है। देखिए, मैं लोगों में प्यार बांटता हूँ, लोगों से प्यार करता भी हूँ, और मेरे हिसाब में किसी भी सच्चे कलाकार को दूसरे कलाकार से नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत, बदला, खून खराबा, इन चीजों के लिए ना मेरे दिल में कोई जगह है और ना ही मेरी जिंदगी में। मिस्टर बसंत, जब आपके दिल में इतना प्यार है तो आपकी जिंदगी में भी जरूर कोई खुशकिस्मत लड़की होगी जिसे आप तहे दिल से चाहते होंगे। मिस्टर बसंत, I'm sorry, आपने कुछ कहा? जब आपके दिल में इतना प्यार है तो जरूर आपकी जिंदगी में भी कोई एक खुशकिस्मत लड़की होगी जिसे आप तहे दिल से चाहते होंगे। मैंने आपके प्यार के बारे में कुछ पूछा था। अभी तक तो मेरा प्यार इजहार और इकरार के झूले में डोल रहा है। हाँ, अगर अपने प्यार को पाने में मैं कामयाब रहा तो उसकी खबर सबसे पहले मैं आपको दूंगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तेरे खुराफातों से तंग आ चुकी हूँ। आज इससे झगड़ा, कल उससे मारपीट, अब मैं तेरी न तेरे घर की जिम्मेदारियां संभाल सकती हूँ। तू संभाल अपना घर, मैं चली। मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जाओगी माँ? बोलो। अकेला नहीं, दुकेला करके जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि झटपट तेरी शादी करके बहू के हाथ में तेरी लगाम और घर की जिम्मेदारियां देकर मैं तीरथ चली जाऊंगी। बहुत अच्छे, एक झगड़ा क्या हुआ, तुम तीरथ चली जाओगी, घर में बहू आ जाएगी। कान खोल कर सुन लो माँ, ना तो मैं शादी करने वाला हूँ और ना ही अपनी लगाम मैं किसी और के हाथ में देने वाला हूँ। छोटा सा घर हमारा, एक तुम भली एक मैं भला। मैं भी देखती हूँ तू शादी कैसे नहीं करता। आप बिल्कुल ठीक कह रही माँ जी, प्रशांत बाबू की शादी में जरा सी भी देरी करना खतरे से खाली नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि शादी और मंगनी साथ साथ कर डाली। खामोश, तुझे बीच में बोल लो, किसने कहा? माँ, क्यों, क्या इस घर में इसका कोई हक नहीं? जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही बसंत का भी। ठीक है माँ, तो फिर बसंत की ही शादी कर डालो, मुझे इस झमेले में क्यों डाल रहे हो? ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले बड़े भाई की शादी होती है बाद में छोटे भाई की होती है। अब लक्ष्मण अगर पहले शादी कर ले तो राम जी के बैठ के बंसरी बजाएंगे। सच कह रहा हूं प्रशांत बाबू, मुझे इतनी खुशी अपनी शादी में भी नहीं होगी जितनी खुशी आपको शादी का सहरा पहनते देखकर होगी। आपका सहरा आपके अपने लोग देखेंगे, आपकी बारात पूरा शहर देखेगा, लेकिन उस दिन जो मैं गाना गाऊंगा वो सारा जहां सुनता रह जाएगा। ठीक है मां, अगर तुम्हारी और इस मुंगी लाल की खुशी इसी में है तो मैं शादी करूंगा, तैयार हूं। मुंगी खुश? तैयार है तो आप लोगों ने यह कैसे सोच लिया कि आप लोगों का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बसंत बाबू भी तैयार हो जाएंगे? ये देखिए, अगले 6 महीने के लिए उनकी डायरी में कोई डेट नहीं है। ही इज अ बिजी आर्टिस्ट। जरा सोचिए मिस्टर नागराज, हमने उनका नाम एज अ चीफ गेस्ट अपने इन्विटेशन कार्ड्स में ऑलरेडी दे दिया है। अगर बसंत बाबू नहीं आए तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसमें बसंत बाबू का कोई कसूर नहीं है, कसूर आप लोगों का है। विदाउट टेकिंग अ कंफर्मेशन लेटर हाउ कुड यू प्रिंट हिज नेम ऑन द कार्ड? कंफर्मेशन लेटर के बगैर आप लोगों ने उनका नाम कार्ड पे कैसे छापा? क्या बात है नागराज, किस बात पर बहस हो रही? सर ये लोग बेकार के। बात ये है मिस्टर बसंत कि हमने अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स का चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया है। हमसे गलती ये हो गई कि हमने आपकी इजाजत के बगैर आपका नाम चीफ गेस्ट में दे दिया। अरे ये तो गलत बात है। खैर, कितनी तारीख को प्रोग्राम फिक्स किया? इस महीने की 17 तारीख को। नागराज। यस सर। 17 तारीख के सारे शो कैंसिल कर डालो। हाँ सर, मैं इनका चैरिटी शो अटेंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर बसंत। अरे एडजस्ट कर ले यार। लेडीज, जेंटलमैन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर बसंत ने हमारे प्रोग्राम में आकर जो हमारी इज्जत अफजाई की है उसके लिए मैं, हमारी मैनेजमेंट कमेटी
और हमारा कॉलेज तहे दिल से शुक्रगुजार है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस गाने को हमारी सिलेक्शन कमेटी ने फर्स्ट प्राइज दिया है वो गाना मिस्टर बसंत का ही है, और अब उसी गाने को आपके सामने पेश कर रही हैं हमारे ही कॉलेज की छात्रा मिस शांति। हरे कृष्ण
दोस्तों मेरे ख्याल से पहला इनाम मिलना चाहिए मिस शांति को, इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरा गाना गाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मेरे एक अधूरे गीत को पूरा कर दिया। अब मैं मिस शांति से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना इनाम हासिल करने के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। थैंक यू, थैंक यू। शांति, ये मेरी तरफ से मेरी जिंदगी के उस सवाल के लिए जिसका जवाब आज आपने दे दिया, इसे कबूल कीजिए। नहीं, देखिए ना कहकर मेरा दिल मत तोड़िएगा, प्लीज प्लीज। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिस शालिनी मेहता। मुबारक हो। तुम जैसे जलील आदमी की मैं सूरत तक देखना पसंद नहीं करती। बिना इजाजत के तुम्हारे अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं हिम्मत करके और मौका देखकर तुम्हारी उस थूक का जवाब देने आया हूं शांति। आज मैं तुम्हें मिस से मिसेस बनाकर इस कमरे से बाहर भेजूंगा, ताकि सारी जिंदगी दुनिया वाले तुम्हारे नाम पर और तुम्हारे मुंह पर थूकते रहें। बचाओ, बचाओ। कोई बचाना नहीं आएगा, कोई बचाना नहीं आएगा तुम्हें। हराम जादे, कमीने, हाँ से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जा तू यहां से। कमीना साला, घबराओ नहीं मिस्टर नागराज, मेरा नाम है सुरेश रस्तोगी। इस बसंत को तो जान बचाने की और इज्जत बचाने की बहुत पुरानी आदत है। मैं अपना हिसाब लगे हाथों चुकता करना चाहता हूं। तुम्हारे पास दिमाग है और मेरे पास बेशुमार दौलत, अगर हम एक दूसरे से हाथ मिला लें तो बेजान मक्खी की तरह इस बसंत को अपने हाथ तले कुचल डालेंगे। याद रखना सुरेश रस्तोगी। मेरा नाम नागराज है और नागराज का मतलब होता है नागों का राजा। ये बसंत से मिस्टर बसंत मेरी बदौलत बना, और अब बसंत से भिखारी बसंत ये मेरे डसने के बाद बनेगा। तूने ये नहीं ड्रेस पहनी? हाँ यार, चल गई थी, बहुत दिन हो गए। खाना मुझे क्यों नहीं बुलाया शॉपिंग पे? उफ़, ऐसे ही। मैम साहब, आपका टेलीग्राम। सब कुछ ठीक तो है ना? शांति, सही बता, क्या बात है? पिताजी को फिर से दिल का दौरा पड़ा है, मुझे जल्द से जल्द गांव जाना होगा। हाँ शांति, तू जल्दी गांव चली जाना, पर जाने से पहले एक बार बसंत से जरूर मिलती जाना। क्यों? एक राक्षस से उसने तेरी इज्जत बचाई है जो तेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। आज तक जो सवाल तेरे मन में था
उसका आधा जवाब तो तुझे मिल गया और पूरा जवाब बसंत की जबान से सुनती जाना। शायद तेरे पसंद का रिश्ता तेरे पिताजी के दिल को वो राहत पहुंचाए जो बड़ी से बड़ी दवा भी ना कर सके। अरे शांति, तुम आओ आओ अंदर आओ। नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे बसंत जी से। लेकिन बसंत तो इस वक्त घर पर नहीं है, कोई खास काम है क्या? मुझे टेलीग्राम आया है कि गांव में पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे फौरन जाना पड़ेगा। एक ही ट्रेन है और वो भी 2 बजे। जाने से पहले मैं बसंत जी से। अच्छा, मैं चलती हूँ। शांति, अगर बसंत आ गया तो मैं उसी वक्त उसे स्टेशन भेज दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों की मुलाकात जरूर होगी। थैंक यू उमा। बसंत, मैं तेरी जिंदगी की सारी बहारें लूट कर ही रहूंगा। अगर मैं तुझे मना सकता हूं तो मैं तुझे तबाह भी कर सकता हूं हरामजादे। बसंत, शांति तुमसे मिलने आई थी। क्या, शांति यहां आई थी? जल्दी से स्टेशन जाओ, 2 बजे की गाड़ी है। तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी, जल्दी जाओ, इंतजार कर रही होगी। थैंक यू मां, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनो, हाँ चलो जाने दो। ये इसका क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी मिस्टर बसंत, वी आर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? ठीक है लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। सॉरी मिस्टर बसंत, ये इनकम टैक्स का मामला है, तलाशी आपकी मौजूदगी में होगी। लेकिन मुझे एक जरूरी काम है। मिस्टर बसंत, नो आर्ग्यूमेंट, प्लीज कम। बसंत, मुझे लगता है तलाशी में ज्यादा वक्त लग जाएगा। अगर तुम कहो तो मैं स्टेशन जाकर शांति को तुम्हारी मजबूरी समझा दूं। सॉरी मैडम, जब तक घर की तलाशी का काम पूरा नहीं हो जाता, घर का कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई बाहर का आदमी घर में आएगा। भाई साहब, आप यहाँ आइए, यहाँ आइए आप लोग। क्या छुपा कर रखा है मैंने अलमारी में? क्या इसमें, क्या इसमें, हाँ क्या इसमें, कितने जोर छुपा रखे मैंने इसमें, क्या इसमें, क्या है, कुछ भी तो नहीं इसमें। कहाँ छुपा कर रखा है मैंने पैसा? देखिए भाई साहब, आप लोग अपना काम कीजिए और मुझे जाने दीजिए प्लीज। डोंट बी एक्साइटेड मिस्टर बसंत। तो यार, आपको अगर जरूरी काम से जाना है तो हमें भी अपना फर्ज निभाना है, समझे? हेलो, मैं शांति बोल रही हूँ। सॉरी मिस्टर बसंत, जब तक हमारा तलाशी का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक बाहर से आई हुई कोई भी कॉल आप अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन, और ना ही यहाँ से बाहर कोई फोन किया जा सकता है। मिस्टर रावत। यस सर। घर के सभी फोन डिस्कनेक्ट कर दो। ओके। सॉरी मिस्टर बुटर, हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली। अब आप शौक से अपने जरूरी काम पर जा सकते हैं। थैंक्स फॉर योर। छोड़ यार। कम ऑन मिस्टर रावत। शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? सर के बाल सफेद हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हो, मुंह से दांत गायब हो रहे हैं, चला है शादी रचाने इस उम्र में। पर दीदी, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इस उम्र में तेरे हाथों किसी लड़की की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगी। पहले ही 2 शादियां कर चुका है, दोनों स्वर्ग से धार गई। अगर तेरे बच्चे होते तो आज तक उनकी शादियां हो चुकी होती। वो मैं तुम्हें हरगिज उस लड़की से शादी नहीं करने दूंगी। पर दीदी, मेरी बात तो। अरे क्या बात कहना चाहते हो मामा? माँ ठीक ही तो कह रही है, ये उम्र कुछ गड़बड़ करने की है। तुम्हारी एक टांग जमीन पे है और दूसरी टांग अर्थी पे है,
शादी करने के बाद कहीं तुमसे कुछ ऊंच नीच हो गया तो लड़की तो जिंदगी भर की विधवा बनकर रहेगी ना। मैं भी विधवा ही की बात कर रहा हूँ भांजे, वो कोई जवान लड़की नहीं है, वो एक गरीब बेसहारा मजबूर विधवा औरत है। और फिर मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस औरत को सहारा देना चाहता हूँ। और फिर मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है, आज नहीं तो कल खुदा ना खास्ता मैं चल बसा तो ये रुपया पैसा कम से कम उस गरीब के काम तो आ जाएगा। अरे वाह मामा वाह, ये तो बड़ा सवाब का काम कर रहे हो। क्या जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार तुम एक नेक काम करने जा रहे हो? क्यों माँ? पहले क्यों नहीं बताया, हम तुम्हें रोकते ही नहीं। पर दीदी तुम तो मेरी बात नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अब जा और शादी की तैयारी कर। बाबूजी, बाबूजी, डॉक्टर साहब, बाबूजी ठीक है ना? क्या हुआ मेरे बाबूजी को? शांति जी, इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। आप हौसला रखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको एक बेटी की तरह नहीं, एक बेटे की तरह फर्ज निभाना है। आप आइए मेरे साथ। शांति जी, दिल का दौरा जिसे भी पड़ता है, वो इंसान कुछ दिनों के लिए ऐसे मोड़ पर, ऐसे मुकाम पर खड़ा हो जाता है जहाँ हल्का सा भी सदमा उसके लिए जानलेवा हो सकता है। जहाँ तक हो सके उन्हें खुश रखें, ताकि उनमें जीने की तमन्ना हमेशा के लिए उनमें बनी रहे। मैं कोशिश करूंगी डॉक्टर साहब, पूरी कोशिश करूंगी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, आप वक्त पे दवा देते रहिएगा, और अगर फिर भी उनके सीने में दर्द हो तो आप फौरन मुझे इत्तला कीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ। तू आ गई बेटे? हाँ बाबूजी, तार मिलते ही आ गई। मेरा गला सूख गया है बेटे। वैसे दुनिया में सिर्फ बेटी का जोता है बाप के सर पर। जब तक वो उसे धूमधाम से विदा नहीं कर देता, उस कर्जे के बोझ से उसकी आत्मा तक को शांति नहीं मिलती। मैं तो ऐसा भागा हूं कि एक नहीं दो दो कर्जे लेके जी रहा हूं। अगर चुकता नहीं कर सका तो अगले जन्म में भी मुक्ति नहीं मिलेगी मुझे। कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी? बेटे, तेरी पढ़ाई लिखाई, तेरी माँ की बीमारी, मेरी बीमारी, और इस घर को चलाने के खर्च के लिए मैंने एक आदमी से 50,000 रुपये कर्ज लिए थे, और आज जब उसे ये मालूम हुआ कि मैं इस काबिल नहीं रहा तो उसे सौदेबाजी करने लगा। वो कमीना कहने लगा कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, नहीं तो कचहरी में जाकर ये मकान नीलाम करवा दूंगा। नहीं बाबूजी। बेटे, मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। मैं तुझसे ये जानना चाहता हूं, तेरी नजर में कोई लड़का है जो तुझे जिंदगी भर खुशियां दे सके? मेरा क्या है, आज हूं कल चला जाऊंगा। नहीं बाबूजी, ये मकान तेरी खुशियों से बढ़ के नहीं है मेरी बच्ची। बोल बेटे। हाँ बाबूजी। हाँ बेटे बोल। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए बाबूजी, कल तक मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूंगी। अच्छा बेटे। हेलो, मैं शांति बोल रही हूँ नासिक से। क्या मैं बसंत जी से बात कर सकती हूँ? वो तो उमा के साथ सिंगापुर गया है। सिंगापुर?
क्यों, कोई शो है वहाँ? बगैर बताया गया है, सिर्फ इतना कह के गया है कि बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहता है। वो वापस कब आएंगे? कुछ पता नहीं। अच्छा, जब वो वापस आएंगे उन्हें कहिए मुझे 4263 पे अर्जेंटली फोन कर लें, बहुत जरूरी काम है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें कहिए मुझसे जरूर बात कर लें। अच्छी बात है, जरूर कहूंगी। सिन्हा साहब, मेरे एक बहुत जरूरी फोन आएगा, प्लीज मुझे बुला लीजिए। अच्छी बात है, जरूर बुलाऊंगा। थैंक यू। मैंने एक आदमी से 50,000 रुपए कर्ज लिए थे कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, नहीं तो कचहरी में जाकर ये मकान नीलाम करवा दूंगा। अरे बुड्ढे, इस घर पे मेरा हक है, अगर तू इस घर से नहीं निकला तो तेरी बोटी कर करके चौराहे पे फिंकवा दूंगा, समझे? अरे भाई, इस बुढ़ापे में ये मकान छोड़ के मैं कहां जाऊं? आकाश में, पाताल में, धरती में, कहीं भी अगर तू नहीं निकला तो तुझे धक्के मार के बाहर निकाल निकाल। बाबूजी। शांति बेटे, क्या बात है बेटे, इतनी रात गए, परेशान क्यों है? बाबूजी, हाँ, मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा है। जिंदगी की इस भूल भुलैया में मैं आपको खोना नहीं चाहती बाबूजी। बेटी, अपनी खुशियों से ज्यादा मुझे आपकी जिंदगी प्यारी है। आप चाह चाहे मेरी शादी कर दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। बेटी, एक बार हाँ करने से पहले फिर सोच ले, कहीं उस कमीने को देखकर तूने इनकार कर दिया तो इन दीवारों पर ऐसी कालिख पुछ जाएगी जो कई जन्मों के बाद भी नहीं मिट सकेगी। इसलिए बेटे, एक बार तू फिर सोच ले। ये सिर्फ हाँ नहीं है, मेरा फैसला है बाबूजी। मैं वादा करती हूँ मैं आपके भरोसे को कायम रखूंगी, अपने फैसले पर अटल रहूंगी। बसंत। प्रणाम मौसी। जीते रहो। बसंत, तेरे जाने के बाद नासिक से शांति का फोन आया था। शांति का फोन? हेलो, नासिक पोस्ट ऑफिस। हेलो, क्या आप श्री जगत वर्मा की बेटी शांति को घर से बुला देंगे? प्लीज कहिएगा कि बॉम्बे से बसंत का फोन है। जी हाँ, अभी बुलवा देता हूँ। बेचारी मायूस और नाउम्मीद लग रही थी, न जाने क्या कहना चाहती थी। हेलो शांति जी, तो आज सुबह की गाड़ी से बंबई चली गई। थैंक यू वेरी मच। मौसी, शांति खुद बंबई आ रही है। याहू! शांति, 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 शांति तुम आ गई। शांति, शांति उस दिन मैं स्टेशन नहीं पहुंच पाया, इस मजबूरी की दलील देकर मैं अपने प्यार को छोटा नहीं करना चाहता। आओ, बस यूं समझ लो कि वक्त ने हम दोनों को बहुत इंतजार करवाया। तुम इजहार का इंतजार करती रही और मैं इकरार का। इस इजहार और इकरार के चक्कर में कहीं हमारी सारी उम्र न कट जाए, इसलिए मैंने एक अहम फैसला किया। सच कह रहा हूं शांति, आजकल मुझ पर लक्ष्मी माँ की बहुत कृपा है, और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी चलकर आ गई। मेरे सिंगापुर जाने के बाद तुम्हें मौसी ने कहा था कि मैं सिंगापुर से आकर तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। जानती हो सरप्राइज क्या है? वो सरप्राइज ये है, ये सेट, ये चूड़ी, ये गहने, ये बालियां, और ये हार कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है। अरे मुझे मालूम है कि मेरी पसंद तुम्हारी नापसंद कभी हो ही नहीं सकती। और ये देखो, ढेर सारी साड़ियां, शिफॉन, जॉर्जेट, सिल्क, और ये बनारसी सिल्क, खास ऑर्डर देके बनवाई मैंने तुम्हारे लिए। और ये सिंदूर मैंने खास कलकत्ता से तुम्हारी मांग भरने के लिए मंगवाया। हम दोनों ने फैसला करने में इतनी देर कर दी बसंत,
मैं समझा नहीं शांति। कि उससे पहले तकदीर ने हमारी जिंदगी का फैसला कर दिया। कहीं ये वही कार्ड तो नहीं जिस पर मेरा नाम होना चाहिए था? हाँ, ये वही कार्ड है, मेरी शादी का कार्ड। इस कार्ड के ऊपर तुम्हारे हाथ का लेखा है और इसके अंदर मेरी तकदीर का। जानती हो शांति, जो लोग बेसहारा पैदा होते हैं उनकी तकदीर उनसे मोहब्बत का सहारा भी छीन लेती है। मेरे इस नाम के साथ एक लफ्ज, सिर्फ एक नाम ऐसा लिख दो जो मेरे जीने का सहारा बन जाए। ओम गणनांता गणपति गुं हवा महे, कन्या को बुलाइए। ओम प्रिय नान्पा प्रिय पति गुं हवा महे, ओम निधि नान्पा पति गुं हवा महे, ओम वसौ मम आहम जानि गर्भात् मातरम् दासि गर्भधाम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। ये क्या मामा, तुम तो कह रहे थे जिससे तुम्हारी शादी होने जा रही है वो बड़ी उम्र की विधवा है, लेकिन ये लड़की तो। शादी मुझे करनी है भांजे, मैं किसी विधवा से करूं या कुमारी कन्या से, तुझे उससे क्या लेना देना। बाराती बनकर आया है, बाप बनने की कोशिश मत कर। तुम इस लड़की के बाप की उम्र के हो मामा, ऐसा पाप मत करो। पाप पुण्य मुझे मत समझा भांजे, मुझे मालूम था कि तू आएगा तो कोई ना कोई नया बखेड़ा जरूर खड़ा करेगा, इसलिए मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मुनीम जी। जी सरकार। मेरी तलवार लो। ये लीजिए। इसे ऐसी वैसी तलवार मत समझना भांजे, ये कलयुगी तलवार है। इसके बाप ने मुझसे 30,000 रुपए उधार लिए थे, मूल और सूद मिलाकर अब पूरे 50,000 हो गए। ये कोर्ट की तलवार है, कानून भी इसके बाप को नहीं बचा सकता। ये क्यों नहीं कहते मामा कि तुम शादी करने नहीं बल्कि खरीदारी करने आए हो? बड़ा तरस आ रहा है इस लोंडिया पे। खरीदारी भी फोकट में नहीं होती भांजे, 50,000 रुपए लगा रखे हैं, पूरे 50,000। अच्छा, ये पूरे 50,000 पकड़ अपनी बोटी और बिना दुम हिलाए भाग जाए यहां से। अगर दोबारा कभी भी यहां नजर आया ना तो याद रखना, आया तू घोड़े पे चढ़ के मगर जाएगा तू अर्थी पे लेट के, समझा? अरे मामा मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल भाग यहां से। जाता हूं भांजे, जाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, आज तेरी वजह से इस लौंडिया की बारात दरवाजे पे आकर लौट रही है। अब तो ये बेचारी विधवा से भी बदतर जिंदगी काटेगी। अब इसके दरवाजे पे कभी शहनाई नहीं बजेगी, अब इसकी डोली कभी नहीं उठेगी। मुझसे ही क्या, सारी दुनिया से जाकर पूछ ले है कोई माई का लाल जो इसका हाथ थामेगा। कौन करेगा इस लड़की से शादी? हाँ हाँ, कोई नहीं करेगा बेचारी से। जिंदगी बर्बाद हो गई बेचारी की, अब इससे दुनिया में कोई भी शादी नहीं करेगा। मेरा बेटा करेगा शादी, आज ही इसी मंडप में। और तुम्हें तो मुझे भाई कहते हुए शर्म आती है, दूर हो जा मेरी नजरों से। बेटी, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दया उपकार या मेहरबानी नहीं कर रही हूँ, आज नहीं तो कल मुझे अपने बेटे की शादी करनी ही है। फिर तुम जैसी बहू मुझे तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। प्रशांत, मेरे इस फैसले से तुम्हें कोई एतराज तो नहीं बेटा? मां, मैं बेटा तुम्हारा हूं, मेरी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे फैसले से मुझे कोई इनकार नहीं। बहन जी, आपने मेरी बेटी को अपनाकर न जाने किस जन्म का कर्ज चुका दिया है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है बहन जी,
इसकी जान चली जाएगी लेकिन आपके खानदान की मर्यादा पर कभी आंच नहीं आने देगी। बेटे जीते रहो बेटे। जिंदगी भी कैसे कैसे खेल खिलाती है दोस्त। गया था बाराती बनकर और लौट आया खुद अपनी शादी करके। जानकर बड़ी खुशी हुई। और अपनी तकदीर तो देखिए, शादी करने गए थे और बाराती भी ना बन सके। तुम मेरी शादी में शरीक नहीं हुए, मुझे बड़ा दुख हुआ। खैर, जितनी गुमनामी से मेरी शादी हुई उतने ही धूमधड़ाके के साथ रिसेप्शन करने का हमने फैसला किया है। और तुम्हें अपना वादा याद होगा, रिसेप्शन में गाना गाना होगा तुम्हें। प्रशांत बाबू, इन दिनों मैंने गाना बिल्कुल बंद कर दिया। शाबाश मजनू, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि इश्क के चक्कर में मत पड़ो, दिल टूट जाएगा और मजनू बन जाओगे। खैर, मेरी पार्टी कल अटेंड कर लो, उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी की तैयारी में जुट जाऊंगा। अब शायद जिंदगी में मैं गाना नहीं गा पाऊंगा। देखो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। नहीं गाना चाहते हो तो मत गाना, लेकिन कल मेरी शादी की पार्टी में जरूर आना। अच्छा प्रशांत बाबू, दर्जा तो छोटे भाई का दिया आपने मुझे, पर बड़े भाई का हक जताना भूल गए। क्या मतलब? अरे एक बार डांट के तो कहा होता, हक से तो बुलाया होता। तो ठीक है, हक से ही कह रहा हूं। कल तुम मेरी पार्टी में जरूर आओगे और जिंदगी का सबसे बेहतरीन गाना सुनाओगे। ये रात है, होठों पे मेरे गीत है, खुशियों का साथ है। मोहब्बत की आग है ये, मोहब्बत की आग है, मोहब्बत की आग है ये, मोहब्बत की आग है। जो दिल का राग बन गई, जो दिल का राग बन गई, चाहत की आग
बचाऊंगा जाने मन। शांति, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तकदीर के पीछे भागते हैं और दूसरे वो जिनके पीछे तकदीर भागती है। जो तकदीर के पीछे भागते हैं उन्हें अशांति मिलती है और जिनके पीछे तकदीर भागती है उन्हें शांति मिलती है। शांति, ये तुम क्या कर रही हो? शांति, अगर तुम मेरे कदमों में रहोगी तो फिर मेरे दिल में कौन रहेगा? अभी अभी तो तुम मेरी जिंदगी में आई हो, अब मेरी सांसों में बसकर मेरी धड़कनों में समा जाओ। जी, मैं नागराज बोल रहा हूँ। जी, पार्टी में तो मैंने आपको आधी मुबारकबाद दी थी, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि आपको पूरी दे दूँ। मतलब? मतलब ये कि हर पति की ये तमन्ना होती है कि सुहाग रात के बाद उसकी पत्नी माँ बन जाए, लेकिन मैं आपको एक दर्दनाक खबर देना चाहता हूँ कि आपकी पत्नी शांति देवी सुहाग रात से पहले ही माँ बनने वाली है। क्या बकवास कर रहा है कमीने? बकवास सिर्फ कमीने करते होंगे प्रशांत बाबू, लेकिन शरीफ आदमी सिर्फ सच बोलते हैं, जैसे कि मैं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं आ रहा है तो आप मुझे लाल बाग में मिलिए। आप मुझ पर इतना विश्वास करेंगे कि दूसरों पर विश्वास करना भूल जाएंगे। आप मुझे कितना भी मार लीजिए, लेकिन सच यही है कि आपकी धर्म पत्नी शांति देवी एक बदचलन लड़की है। अगर मेरी बात झूठ है तो आप ही बताइए कि एक जवान और खूबसूरत लड़की एक मरियल बुड्ढे के साथ शादी क्यों करेगी? सिर्फ इसलिए ताकि वो बुड्ढा एक रबर स्टैंप बनकर उसकी जिंदगी में रहे और दूसरे लोग उसकी जवानी पर ठप्पा लगा कर चले जाए। इसी को कलयुग कहते हैं मिस्टर प्रशांत। हर सच्चे इंसान को इसी तरह कुत्ते की तरह पीटा जाता है, लेकिन मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं कि मैंने शांति देवी और बसंत बाबू के बीच में नाजायज ताल्लुकात देखे हैं। इन आंखों ने उन दोनों को साथ में हम बिस्तर होते हुए देखा है। मारो, इसी वजह से उस हरामजादे ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरी नौकरी तो चली गई, लेकिन मैंने कसम खाई कि मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं शांति के पति को अंधेरे में नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। उस महान पति से मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं
जो अपनी पत्नी को सती सावित्री समझता है और उस सती सावित्री के पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है जिसका नाम है बसंत। नहीं, बस प्रशांत जी बस, बहुत हो गई है मारपीट। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो ये पिस्तौल लीजिए और मेरा सीना छलनी छलनी कर दीजिए। मेरे खून का कतरा कतरा फिर भी यही बोलेगा कि आपकी पत्नी बदचलन है, क्योंकि मेरे पास इस बात का सबूत भी है। जाइए, अपने घर जाइए और अपनी पत्नी का हाथ देखिए। उसकी उंगली में वो अंगूठी है जो उसे बसंत बाबू ने दी है और उसमें बसंत बाबू की तस्वीर भी गढ़ी है। जाइए, घर जाइए और उसका हाथ देखिए। जाइए। पिस्तौल खाली, इसको बोलते हैं ड्रामा। आप कब आए? मैं रात भर आपका इंतजार करती रही। वो अचानक किसका फोन आ गया था जिसके लिए आपको जाना पड़ा? मेरे दोस्त को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। दोस्त? कौन से दोस्त को दिल का दौरा पड़ा है? उस दोस्त को तुम नहीं जानती। ये अंगूठी किसने दी? जरूर माँ ने दी होगी। नहीं, नहीं, ये बसंत ने मुझे इनाम के तौर पर दी थी। बड़े लोग किसी बड़े काम का ही इतना बड़ा इनाम देते हैं। जी हाँ, मैंने उन्हीं के बोल दोहराए थे। प्राइस के साथ साथ उन्होंने अपनी तरफ से अंगूठी इनाम में दी थी। हाँ, जब इनाम के लायक काम हो तभी इनाम दिया जाता है। और फिर बसंत जैसे कलाकार को तो सारी दुनिया चाहती है, पर तुम्हारी तो मुट्ठी में है। देखिए, इनाम की बातों में मैं ये भूल गई कि आप थके मांदे घर आए हैं। आपसे एक कप चाय भी नहीं पूछा। आज दूध वाला आया नहीं इसलिए मैं ये टिन खोल रही हूँ, लेकिन इसका सील इतना मजबूत है कि मुझसे खुल ही नहीं रहा। आप जरा खोल दीजिए ना। सील तोड़ने से क्या फायदा, मुझे चाय पीनी ही नहीं है। तुम लोग चाय पियो या ना पियो, पर दोनों कान खोल कर सुन लो। आज से ठीक 9 महीने के बाद मुझे एक अनमोल तोहफा चाहिए। सुना बहू, एक पोता। भगवान ने चाहा तो आपकी तमन्ना जरूर पूरी हो जाएगी। आज 2 रोज हो गए, उसने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ, जिसे मैंने बचपन से पाला। उसकी ये हालत उससे नहीं देखी जाती। जाओ मां, उसे तुम खुद अपने हाथों से खाना खिला देना। कहीं ऐसा ना हो। बहन जी, 6 महीने पहले चैरिटी शो के हमने डेट्स ली थी बसंत बाबू से। प्लीज। मैं कोशिश करती हूँ, आप लोग बैठिए। बसंत, घूट घूट के अपने आप को मार रहे हो। इस तरह आत्महत्या करने से क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? जो आस लगाए नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनको मैं क्या जवाब दूं बसंत? जवाब तुम नहीं, जवाब मैं दूंगा उमा। जब जिंदगी में कोई सूर्य नहीं है तो सांस बजाने का फायदा क्या? बसंत की जिंदगी की बहार है उससे छीन ली गई है। जानती हो, ये नरम बिस्तर मुझे कांटों की तरह चुभता। 2 पल के लिए भी चैन की नींद नहीं सो पाया मैं।
चारों तरफ मुझे शांति 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 नजर आती है। मैं कोई गाना नहीं गाऊंगा, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करूंगा, किसी भी स्टेज पर नहीं नाचूंगा मैं। सुन लिया आप लोगों ने? बसंत, बसंत थक गया, उसकी उसकी जिंदगी उससे रूठ गई है, उसका गीत संगीत सब कुछ खत्म हो गया। अब बसंत एक जिंदा लाश बनकर जी रहा है। जाइए आप सब लोग और उस दिन लौटिएगा जब इस लाश को कंधा देने की जरूरत पड़ेगी। जाइए आप लोग, मैं शांति से जी नहीं पाया तो क्या, मुझे मुझे शांति से मरने तो दो, मरने दो मुझे, मरने दो मुझे, मरने दो मुझे। बसंत, तुम्हारी भी जिंदगी एक पहली बन गई बसंत, एक का प्यार तुम पा नहीं सके और दूसरे का प्यार तुम समझ ना सके। ऐसी हालत में बसंत बाबू को स्टेज पे लाना नामुमकिन है, टिकटें वापस नहीं ले सकते, लोगों को समझा नहीं सकते, अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या होता है। चलो चलो, क्या करेंगे, आइए बसंत का गाने से इनकार, थिएटर में आग लगा दी गई। हमारे संवाददाता ने सूचना दी है कि यह घटना उस वक्त घटी जब श्री बसंत ने गाने के वादे के बावजूद गाने से इनकार कर दिया। अगर श्री बसंत उस रात जनता को मिल जाते तो शायद लोग उन्हें जान से मार डालते। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरा पैर फिसल गया। हाँ जाहिर है, पांव फिसल जाए तो चीज तो क्या। नहीं सिर्फ नाश्ता गिर गया है। चोट तो नहीं लगी? गिरी हुई चीजें उठाकर बाहर फेंक दो, गिरी हुई चीजें इंसान के खाने लायक नहीं होती। आज तुम लोगों की छुट्टी, तुम लोग घर जाओ। अच्छा अच्छा। अरे माँ, आज मैंने सबकी छुट्टी कर दी। क्या हुआ? ये सवाल मुझसे मत पूछो, खुद से पूछो। पहले तो घर देर सवेर आ जाता था, शादी के बाद वो भी बंद कर दिया। अब घर आता है, शक्ल दिखाता है, आंखें चुराता है, मुंह छुपा लेता है और फिर यहाँ आके बैठ जाता है। बेचारी बहू को देखो, घर की चार दीवारी में बैठे बैठे पत्थर की बनती जा रही है। तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो कम से कम उसकी फिक्र तो करो। अब जाओ ड्रेस चेंज करके बहू को पिक्चर दिखा लो। जाओ जाओ भी। लगता है मामला गड़बड़ है, तुम यहीं ठहरो, मैं टिकट का इंतजाम करके आता हूँ। 10 का 20 टिकट खत्म होने वाला है, 10 का 20। शांति, बसंत कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? मेरा हाल मत पूछो, मैं ठीक हूँ। अपनी सुनाओ, तुम यहाँ के शो देखने आई हो? हाँ। प्रशांत बाबू कहाँ? वो अंदर टिकट का इंतजाम करने गए हैं। यहाँ तो हाउसफुल है, मैं तो यूं ही उमा की जिद से चला आया और उमा की तबीयत खराब हो गई। एक काम क्यों करती, ये टिकटें तुम रख लो। नहीं बसंत। देखो तुम इनकार करोगे तो मुझे दुख होगा, रख लो। नहीं बसंत, नहीं। अरे रख लो। थैंक यू। सी यू बसंत। मेंशन नॉट।
जगाए जो पत्थर टूटे गोरी तू वो हीरा बन जाए। चलो माँ बाद में, बाद में अभी नहीं, अभी नहीं प्लीज, नहीं अभी नहीं प्लीज, नहीं हाथ जोड़ता हूँ। बसंत चला गया? हाँ वो ये टिकट देखे गया है, उसने ये प्रोग्राम पहले ही देख लिया है। हाँ लगता है उसने प्रोग्राम पहले ही देख लिया है। खैर बड़ी मुश्किल से ये दो टिकट लाया था, लेकिन ब्लैक के टिकटों से तुम प्रोग्राम तो देखोगे नहीं। अरे ये आप, समझ गए ना मैं कौन बोल रहा हूँ? जब अपने महबूब की आवाज महबूबा के कानों में पड़ती है ना तो उसकी जिंदगी के अंदर बाहर आ जाती है। हाँ अगर आप किसी की महबूबा के पति बन गए हैं तो ये मत सोच लेना कि उसके दिल में से उसके महबूब की तस्वीर मिट जाएगी। नहीं 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 नहीं, मोहब्बत की आग कभी बुझ नहीं सकती, उसके दिए तो जलते ही रहते हैं। आपकी धर्म पत्नी शांति देवी और बसंत बाबू कभी थिएटर में मिले, कभी बगीचे में मिले, वो तो मिलते ही रहेंगे। आप फजूल में क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हैं? डोंट बी अ नॉटी बॉय, मिलने दो उनको। ओके बाय, गुड नाइट। आइए उमा जी, दवा से ज्यादा इनके लिए माइंड डाइवर्शन की बहुत जरूरत है। जिस सदमे की वजह से इनकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई है कि इनका ध्यान उस तरफ से हटाना बहुत जरूरी है, वरना इनकी जान तक जा सकती है। हाँ मेरी जरूरत हो तो मुझे वापस बुला लीजिएगा। ओके हाँ। एक औरत जब ऋषि की तपस्या भंग कर सकती है तो क्या मैं बसंत का ध्यान दूसरी ओर नहीं पटा सकती? मैं बसंत की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। उतराई, मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी है, अपने दिल में नहीं। निकल जाओ ऐसे, आई से गेट आउट। उमा पता नहीं कहां चली गई, पुलिस स्टेशन फोन करो, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। कहीं भी फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। उमा
उमा सुनो, अगर जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो या कोई भी बात हो गई हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बगैर बताए घर छोड़कर चली आओ। चलो घर चलो। लौटने के लिए मैं घर छोड़कर नहीं आई हूं बसंत। मैं मानता हूं उमा कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, ये मेरी गलती थी, लेकिन लेकिन तुम भी तो सोचो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती? गलती तो तुम्हें मुझे समझने में हुई है बसंत। तुम ये समझते रहे कि मैं तुम्हारे पास अपनी प्यास बुझाने आई थी या तुम्हारे साथ हम बिस्तर होकर तुम्हें अपनाना चाहती थी। बदन बेचकर औरत से दौलत पा सकती है बसंत, किसी का प्यार नहीं। दुनिया में सिर्फ एक तुम हो जिसने दुख देखा है, एक तुम ही हो जिसके पास दिल है जो टूट चुका है। जरा अपने दुख के घरौंदे से बाहर निकल कर देखो तो दुख का पहाड़ खड़ा है दुनिया के सामने। देखना चाहते हो दुख क्या होता है? ये देखो, इन बच्चों को देखो बसंत। कोई अपाहिज है, कोई अनाथ है, कोई भयानक रोगी है। इनमें से कोई जी रहा है तो कोई मौत की राह देख रहा है। क्या इनका दुख तुम्हारे दुख के सामने कुछ भी नहीं है? मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ बसंत कि जो प्यार मुझे जिंदगी में नहीं मिल सका वो बांटा तो जा सकता है, मगर तुम्हें प्यार नहीं मिला तो अपने ही दुश्मन बन बैठे। इतना खुदगर्ज मत बनो बसंत कि तुम इंसान कहलाने की लायक ही ना रहो। अरे जीना ही चाहते हो तो इन मासूम बच्चों के लिए जीकर दिखाओ, अपने संगीत को इन बच्चों की खातिर बांटो। तुम्हें जीते जी शांति नहीं मिल सकी, मगर यकीन करो इन बेसहारे बच्चों के लिए कुछ करके तुम्हारे मन को शांति जरूर मिल जाएगी। और इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे दिल को शांति नहीं हुई तो यकीन मानो बसंत, इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ एक बार हाँ कर दो और मैं इन बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी शांति को तुम्हारे शो में जरूर लेकर आऊंगी। बस सिर्फ एक बार हाँ कर दो बसंत। मैं 4-5 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं शांति, मां का तुम ख्याल रखना और कोशिश करना कि मेरी गैरहाजिरी में तुम्हें घर से कहीं बाहर न जाना पड़े। मैं वैसे भी घर से बाहर कहां निकलती हूं। ठीक है शांति, फिर मैं तुम्हारी जुबान को ही लक्ष्मण रेखा समझ लेता हूं और इस विश्वास के साथ जा रहा हूं कि तुम घर में रहकर सिर्फ मां का ख्याल रखोगी। आप फिक्र मत कीजिए, ये मेरा वादा रहा कि मैं माजी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है शांति, समझ लो यही आखिरी इम्तिहान है। ये मत समझना कि मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर तुम मर जाते तो मुझे सुकून मिल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी की उन लोगों को जरूरत है जो तुम्हारे अंदर छिपे हुए कलाकार को प्यार करते हैं। और बदकिस्मती से मैं भी उनमें से एक हूं जो इस कलाकार को चाहता है। Yeah.
सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं माजी को छोड़ के घर से बाहर कदम भी नहीं रखूंगी, और तुम कह रहे हो मैं बसंत के प्रोग्राम में चलूं? इम्पॉसिबल। लेकिन मैंने भी बसंत से वादा किया है कि मैं तुम्हें प्रोग्राम में जरूर लेकर आऊंगी। तुम्हारे वादे के लिए मैं अपने पति के साथ विश्वासघात तो नहीं कर सकती। ये क्या विश्वास और विश्वासघात की बातें हो रही हैं? मैं कब से सुन रही हूँ, बहू मेरा ये फैसला है कि तुम बसंत के प्रोग्राम में जरूर जाओगी। माँ जी, अगर प्रशांत मेरा बड़ा बेटा है तो बसंत छोटा, और फिर बहू तुम घर के बाहर जाते ही कब हो? जाओ, तेरा मन बहल जाएगा। जाओ बेटी। माँ जी, जाओ भी। पर माँ जी, मैंने उनको वचन दिया था। और मैं तुम्हें कसम देती हूँ, वो भी अपनी, प्रशांत को मैं समझा दूंगी। और फिर तुम्हारा वचन माँ की कसम से बड़ा तो नहीं है। जाओ। मेरा नाम है।
फिक्र ये जमाना। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। जरूर किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो किसी के बहकावे में आके भड़क जाओ। क्या ये झूठे कॉलेज के जमाने में तुम्हारा हॉस्टल और बसंत का घर बिल्कुल अगल बगल में था? लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? दोनों जगहों के बीच में एक छोटी सी दीवार थी, लेकिन दोनों की छतें एक दूसरे से मिली हुई थी, जो दो जवान लड़के लड़की को नजर मिलाने के लिए काफी थी। तुम और बसंत उस छत पर एक दूसरे को देखा करते थे, एक दूसरे से आंखें मिलाया करते थे, और ये नजरों के खेल ने एक दिन दुनिया की सारी मर्यादा को तोड़ के रख दी। जिसकी निशानी अंगूठी है, जिसमें आज भी बसंत की तस्वीर लगी हुई है। वाह, आपने तो मुझे सीधा हॉस्टल से उठा के कोठे पे बिठा दिया। ये सच है कि बसंत और मैं एक दूसरे को चाहते थे, प्यार करते थे, लेकिन हमारा प्यार सिर्फ प्यार की हद तक ही जुड़ा रहा। हम दोनों ने कभी एक दूसरे को छू के उसे गलत रिश्ता नहीं बनने दिया। दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की है जिसने अपनी 16वीं की उम्र में किसी से प्यार न किया हो? पर सबका प्यार परवान नहीं चढ़ता, ज्यादातर तकदीर उन्हें परवाना ही बना देती है। मगर जिस दिन मैंने अग्नि के सामने सात फेरे लेकर आपको अपना पति माना था, उसी दिन मैंने अपनी बीती हुई जिंदगी, अपना बीता हुआ प्यार उसी अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। तो फिर तुम बसंत से मिलने क्यों गई? वादा करने के बावजूद उसके प्रोग्राम में क्यों गई? क्यों? क्यों? किस लिए? मैं अपनी खुशी के लिए नहीं गई थी, माँ जी को खुश करने के लिए गई थी। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो चलिए माँ जी से पूछ लीजिए कि उन्होंने मुझे जाने की कसम दी थी या नहीं। और अगर मेरी बात झूठ निकली तो आप मुझसे जो चाहे सलूक कीजिए, जो चाहे सजा दीजिए। माँ जी, माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ जी, मिस्टर नागराज, मैंने तुम्हें इस शर्त पे 5 लाख रुपए दिए थे कि तुम उन दोनों हरामजादों को मार डालोगे, लेकिन वो तो बच गए। अब लाओ मेरे रुपए वापस कर दो। भूलना नहीं, मेरा नाम है सुरेश रस्तोगी। मिस्टर सुरेश रस्तोगी, सन ऑफ सोनला रस्तोगी। मेरा नाम नागराज है, और नागराज का मतलब होता है नागों का राजा। और नाग जिसे एक बार डस ले वो बिना पानी मांगे सीधा स्वर्लोक पहुंच जाता है। रईस बाप की निकट्टू औलाद, जरा सोचो, जब मैं 5 लाख के लिए 2 खून कर सकता हूं, तो उस 5 लाख को बचाने के लिए क्या मैं 1 खून और नहीं कर सकता? उसकी लाश को जलाकर राख कर दो, ताकि इसकी धूल भी किसी को ना मिले। और अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगा। ये लो मेरी सारी जायदाद के कागजात। मैं गरीब लड़की को ब्याह कर जरूर लाया था, लेकिन उसे गरीब छोड़कर जाऊंगा नहीं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ को करता हूं। मैं माँ को लेकर हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा हूं, ताकि तुम्हारा मनहूस साया कभी उस पर ना पड़े। तलाक के कागजात तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हें न सिर्फ अपनी जिंदगी में जहर घोलने का जिम्मेदार मानता हूं, बल्कि मेरी माँ जो आज जिंदगी और मौत के दरवाजे पर खड़ी है, उसकी भी जिम्मेदार तुम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, हर किसी का। तकदीर के खेल की सजा मुझे मत दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, माफ करती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं निर्दोष हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ के मत जाइए, छोड़ के मत जाइए मुझे। बसंत, प्रशांत ने शांति को तलाक दे दिया है। आज तुम्हारी वजह से उनका बसा बसाया घर उजड़ गया है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है कि प्रशांत ने शांति को तलाक दिया है। अगर तुम्हें इंसानियत है तो जाकर उन दोनों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। प्रशांत बाबू, मेरी बात, प्रशांत बाबू,
बसंत? हाँ शांति। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बसंत, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, प्लीज। एक तो वैसे ही मेरी जिंदगी में जहर भरा पड़ा है। अगर उन्होंने इस वक्त तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। तुम चले जाओ प्लीज। तुम जिसे शक समझ रहे हो ना शांति, वो उसका यकीन है और उसी यकीन को पुख्ता करने के लिए मैं यहां आया हूं आज। शांति, आज तक मैंने तुम्हारी परछाई को भी नहीं छुआ, फिर क्यों मुझ पर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे शरीर के साथ खेलने का इल्जाम लगाया गया? और ये इल्जाम किसी और ने नहीं, तुम्हारे पति ने लगाया है मुझ पर। मैं चाहता हूं कि जब यह इल्जाम लग ही चुका है तो क्यों ना इस गुनाह को भी कर डालूं आज। I love you. I love you. मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, इस घर से ही नहीं तुम्हारी जिंदगी से भी चला जाऊंगा। सिर्फ एक बार अपना हमबिस्तर बना लो मुझे। तुम इतने नीच और वैश्य हो गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मगर याद रखो, मेरे शरीर पर मेरे पति के अलावा किसी का हक नहीं है। हक है, हक है मेरा, मेरा हक है तुम पर शांति। इतने साल तड़पाऊं मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मेरी आंखों में देखो कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। आई लव यू शांति, आई लव यू शांति, शांति आई लव यू शांति, शांति। बसंत, आगे नहीं बढ़ना, मैं तुम्हें मार दूंगी, सच वाली मार दूंगी। तुम मुझे मार नहीं सकती। I love you. आगे मत बढ़ना, मदद, मदद, मदद। ये तुम क्या कर रही हो शांति? नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी। पागल हो गई हो? ये क्या किया तुमने? तुमने इस देवता पर गोली चलाई जिसने तुम्हारी पवित्रता को साबित करने के लिए एक राक्षस का ढोंग रचा कर यहाँ तुम्हारे सामने आया। मुझे मिला था प्रशांत बाबू, प्रशांत बाबू। शक किया, कई घर, कई जिंदगियां, कई लोगों को बर्बाद कर चुकी है। आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, उसमें भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन आपके घर की इज्जत रह जाएगी, शांति की जिंदगी बर्बाद होने से रह जाएगी। आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए प्लीज, ना मत कहिएगा। अच्छा, तो ये सब नाटक आंखें खोलने के लिए किया जा रहा है? क्यों, खुल गई आंखें? अगर नहीं खुली तो मैं खोल देता हूं, क्योंकि मौत के बाद इंसान की आंखें खुली रहती हैं। ये मेरे निशाने की पहली निशानी थी। मेरा नाम नागराज है, यानी कि नागों का राजा। जिस रास्ते को काटकर गुजर जाता हूं वहां पर मिलाप कभी नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी जिंदगी के अंदर जहर घोलने की कोशिश बहुत की लेकिन नाकाम रहा। लेकिन अब तुमको विधवा देखकर मुझसे ज्यादा खुशी और किसे हो सकती है? इस राक्षस ने एक बसा बसाया घर उजाड़ने की नाकाम कोशिश की, लेकिन
ऐसे लोग कुदरत के हाथों नहीं बच सकते। दुनिया में लाखों लोग प्यार करते हैं, तकदीर वाले होते हैं जिन्हें मोहब्बत नसीब होती है, और उनसे बड़े तकदीर वाले वो होते हैं जो मोहब्बत की आग में जल जाते हैं और अमर हो जाते हैं। मैं ये आंखें बंद कर कभी और कुछ न देखूं, जो मैं देख लूं किसी दिन, जो मैं देख लूं किसी दिन, कभी उनका मुस्कुराना मेरे पास ये जमाना मेरा जिक्र ये